आपका फिर से स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो में। आज दोस्तों मैं आपको UTS ऐप के थ्रू मंथली पास टिकट कैसे बनाते हैं उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। देखिए दोस्तों, मैंने अपने UTS ऐप को ओपन कर लिया है। इस प्रकार से इंटरफेस आपको शो हो रहा है। इसमें कहाँ से ये मंथली पास बनता है तो वो मैं आपको चेक करके बताता हूँ। इसके लिए सबसे पहले मुझे लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद मैं आपको बताता हूँ। इसमें देखिए, यहाँ पे एक राइट साइड में टॉप पे यह लॉगिन का ऑप्शन, लॉगिन को आपने प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद इस प्रकार से आपको इंटरफेस आएगा। उसके बाद आपने अपना एंटर पासवर्ड करना है। पासवर्ड में एंटर करने के बाद आपको देखिए दोस्तों, पासवर्ड एंटर करने के बाद इस प्रकार से आपके पास पूरा ऑप्शन ओपन हो चुका है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे नीचे ऑप्शन दिए हैं, यहाँ पे जर्नी टिकट, QR बुकिंग, उसके बाद क्विक बुकिंग, उसके बाद प्लेटफॉर्म टिकट, उसके बाद सीजन टिकट। आपने सबसे पहले सीजन टिकट को क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद आपके पास नीचे ऑप्शन आएगा सीजन बुकिंग के लिए पेपरलेस या पेपर। सिंपल करना है पेपरलेस, अपने इसको मार्क कर देना। उसके बाद आएगा इशू टिकट और रिन्यू टिकट। यानी आपने पहले से टिकट है आपके पास, अगर आप उसको रिन्यू करना चाहते हैं तो रिन्यू ऑप्शन को आपने क्लिक करना है। अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो आपको इशू टिकट पर क्लिक करना है। इशू टिकट क्लिक करते ही आपके पास इसमें पूछा जाएगा कहाँ से, मतलब कौन से स्टेशन से लेके कौन से स्टेशन तक आप बनाना चाहते हैं। तो आप मान लीजिए, मैं एक एग्जांपल के आपको बताता हूँ। यहाँ पे फ्रॉम स्टेशन में जो है सो स्टेशन में इसको रख लें तो मजा आता। उसके बाद टू स्टेशन जहाँ तक मुझे जाना, तो उसमें डेस्टिनेशन में मैं रख लेता हूँ जम्मू तभी। तो उसके बाद मैं इसको सबमिट करूँगा। सबमिट करने के बाद इसमें आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। देखिए इसमें पूरा डिटेल वगैरह आ रहा है। मेल एक्सप्रेस का बनेगा टिकट, सेकंड क्लास का, मंथली पास है, नाम डेट ऑफ बर्थ वगैरह समथिंग आ जाएगा इसमें डिटेल। उसके बाद अगर आपको देखे ड्यूरेशन मंथ के लिए बनाना तो मंथ पे रखने देना, अगर आपको क्वार्टरली, क्वार्टर मतलब 3 महीने के लिए बनाना तो 3 महीने पे आपने सेलेक्ट करना। उसके बाद अगर आपको हाफ ईयरली बनाना है तो हाफ ईयरली पे करना है। अगर आपको साल के लिए बनाना है तो साल पे आपने क्लिक करना है। उसको क्लिक करने के बाद नीचे गेट फेयर पे आएगा। मान लीजिए मैं साल के लिए करता हूँ, इसके बाद गेट फेयर करता हूँ मैं। इसमें देखिए मेरे पास ये आ रहा है कि फेयर जो है 1,080 रुपये लगेगा। जो मेरे पास जो अभी अवेलेबल बैलेंस है 82 रुपीज़ अवेलेबल है मेरे में। इसके लिए पहले मुझे इसमें ऐड करना होगा, उसके बाद ये बनेगा। इसमें चॉइस है रिचार्ज वॉलेट को आप अपग्रेड करना चाहते हैं रिचार्ज कर सकते हो वॉलेट को। अगर आपको अदर पेमेंट के थ्रू करना तो अदर पेमेंट के थ्रू कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के आपको बताता हूँ अदर पेमेंट, तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा बुक के लिए। उसके बाद ऑप्शन आएगा कहाँ से आपको बनाना। देखिए एग्जाम्पल के लिए दिखा रहा है, एक्सेप्ट करना पड़ेगा ये आपको कंडीशन वगैरह। उसके बाद जो ऑप्शन आ गया पेमेंट ऑप्शन, आपको कहाँ से करना है। तो जी जस्ट मैं आपको समझाने के लिए बता रहा था। तो आपको उसमें करना है पेमेंट, तो सिलेक्ट करने के बाद आप विजिट करके आप पेमेंट कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल अभी मुझे ये नहीं करना है, मैं इसको बैक आ जाता हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे जहाँ से कर सकते हैं, साल के लिए भी है। अगर आपको मैं एक और एग्जांपल के लिए बताता हूँ, इसमें आपको 3 महीने के लिए बनाना हो तो क्वार्टरली को सिलेक्ट करना है। उसका गेट फेयर देख लेते हैं, इसका चार्जेस इसमें 270 रुपये लग रहे हैं। अगर आपको 1 महीने के लिए बनाना है तो इसमें मंथली पे रखना है, तो गेट चार्जेस देख लेते हैं। इसमें सिर्फ आपको 100 रुपये लग रहा है। ये सिर्फ आपका वन साइड वैलिड रहेगा, जहाँ से जम्मू से, सॉरी बजालता से लेके जम्मू तक के लिए। अगर आप वापस जम्मू से बजालता आना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अलग से एक और टिकट बुक बनाना पड़ेगा इसी में पास में। यानी कि टोटल अप एंड डाउन के लिए आपको बनाना है तो आपको यानी 100-200 रुपीज़ आपको खर्च करना पड़ेगा। तो उम्मीद है दोस्तों कैसे ये टिकट बनाते हैं ये आपको जानकारी मिल गई होगी। तो मिलेंगे अगली बार किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।